धार जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव बड़ा ही रोचक और कश्मकश स्थिति वाला रहा। मतदान के बाद हुई मतगणना में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशियों को बराबर 14-14 वोट मिले, जिससे निर्णय टाई हो गया। इस स्थिति को देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। अब जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्णय एक स्कूली बच्ची से गोली उठवाकर कराया, जिसमें दोनों के नाम की गोली बनाकर बच्ची से उठवाई गई, जिसमें भाग्य का पलड़ा भाजपा के सरदार मेड़ा का भारी रहा और वे इस चुनाव में विजयी घोषित किए गए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज गौतम को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे किए थे और उमंग सिंघार भी साथ थे, बावजूद इसके कांग्रेस को यह हार गले नहीं उतरी। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, किंतु भाजपा ने रणनीति के तहत आदिवासी चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि परिषद के चुने हुए ज्यादातर सदस्य आदिवासी वर्ग के थे। सूत्रों की माने तो भाजपा संगीता हेम सिंह पटेल को अध्यक्ष पद का दावेदार बनाना चाहती थी, किंतु एक राय नहीं हो पाने की वजह से फूट हो सकती थी। इसी भीतरघात से बचने के लिए भाजपा ने आदिवासी चेहरे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया और भाजपा की यह रणनीति कारगर साबित हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में भी मुकाबला रोचक और कांटे की टक्कर रहा। उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा की ओर से संगीता हेम सिंह पटेल प्रत्याशी थी, जबकि कांग्रेस की ओर से मुकाम सिंह अलावा प्रत्याशी घोषित किए गए थे। दोनों ही प्रत्याशियों को अध्यक्ष की ही तरह 14-14 वोट मिले, जिसका फैसला भी गोली डालकर किया गया। उसमें भी भाग्य ने भाजपा का ही साथ दिया और भाजपा की संगीता हेम सिंह पटेल धार जिला पंचायत की उपाध्यक्ष चुनी गई। संगीता पटेल वार्ड क्रमांक 10 से जिला पंचायत की सदस्य निर्वाचित हुई थी और कांग्रेस से भाजपा में आए समंदर सिंह पटेल की बहू है। ये अध्यक्ष पद की मंत्री खेमे से प्रबल दावेदार थी, जो कि अब धार जिला पंचायत की उपाध्यक्ष होंगी। अभी पूरा विषय किस प्रकार का चयन हुआ और किस आधार पर हम जीते जनपदों में, सरपंचों में, जिला पंचायत में, आदरणीय हमारे जिले के प्रभारी श्याम बंसल जी ने आपको बताया। कुल 28 वोट थे, 14 सीटों पे हमारी जीत हुई थी, 13 पे अधिकत थे, एक पे हमारे समर्थक रूप से जीते थे। उस 14 के 14 लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया और कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने वोट किया और निश्चित तौर पे हमारी विजय हुई। इसमें दो गोटी डाली, उसमें गोटी में हम विजय हुए हैं।